हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए, विकास जो है एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है, और जो कि जीवन पर्यंत होती है, ठीक है, रुकती नहीं है। तो बाल विकास जो है, जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि बालक जो है उसके अंदर किस प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, वो परिवर्तन विकास की किस अवस्था में होते हैं, क्यों होते हैं, तो इन सभी का अध्ययन जो है वो हम किस में करते हैं? बाल विकास में करते हैं। तो बाल विकास को पहले क्या कहा जाता था? बाल मनोवैज्ञानिक कहा जाता था। तो बाल मनोवैज्ञानिक का अर्थ क्या था? जो साइकोलॉजिस्ट थे वो पहले बाल विकास से पहले बाल मनोवैज्ञानिक का अध्ययन करते थे। इसका मतलब क्या है कि जन्म से 12 वर्ष तक के बच्चों का ही यहाँ पर स्टडी की गई, ठीक है। अब जो स्कूल की हम लाइफ देखते हैं तो वो 17-18 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो स्कूल में रहते हैं। तो बाकी जो बच्चे हैं 12 से 18 वर्ष तक के, तो इन बच्चों का जो है विकास का अध्ययन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो इसके लिए जो है वो बाल विकास जो है इसको शामिल किया गया, जिसका अर्थ क्या है कि जन्म से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी स्टडी की जाएगी। जैसे कि जन्म से जो है हम देखते हैं 5-6 वर्ष का बच्चा जो है, जो कि शैशव अवस्था है उसकी, ठीक है, तो इसमें देखते हैं किस तरीके से बालक का जो है वो विकास हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन से परिवर्तन यहाँ देखने को मिलते हैं। 6 से 12 वर्ष की अगर बात करें तो बाल्य अवस्था में यहाँ पर भी वही परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है ये देखा जाता है। और 12 से 18 वर्ष तो यहाँ पर बच्चा जो विद्यालय में होता है तो उसमें किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, उसका विकास जो है किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, और कौन कौन सी अवस्थाओं में क्या क्या चेंजमेंट आ रहे हैं, तो ये सभी का अध्ययन हम किसमें करते हैं? बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। यदि एक अध्यापक की बात की जाए कि अध्यापक जो है उसका क्या रोल रहेगा बाल विकास में, तो बाल विकास के अंतर्गत शिक्षक को जो है इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि बालक की जितनी भी अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका कैसे विकास होगा, ठीक है। तो बालक की जितनी अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका विकास कैसे हो, तो इसका जो है वो ज्ञान कराया जाता है एक अध्यापक को बाल विकास के अंतर्गत। इसके अलावा बालक का जो है चहुमुखी जो है वो विकास किस प्रकार हो, जिससे कि बालक की जो पर्सनैलिटी है वो निखर कर सामने आ सके, उसे जो है वो एक कुशल नागरिक कैसे बनाना है, आगे चलकर जो है राष्ट्र की प्रगति में वो योगदान कर सके, सहयोग कर सके, ऐसा हमें उसको बनाना है। तो ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? बाल विकास के अंतर्गत तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाल विकास का उद्देश्य जो है वो बालक के जीवन में आने वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, उनको दूर करना, ताकि जो है वो बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये सभी अध्ययन हम करते हैं बाल विकास के अंतर्गत, जिसमें सभी उम्र के जो बच्चे हैं, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि बाल मनोविज्ञान जिसमें जन्म से 12 वर्ष तक के बच्चों की स्टडी कर रहे हैं हम, और बाल विकास जिसमें हम जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन करते हैं, जहाँ पर शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, ठीक है, बच्चे का जो है वो चारित्रिक विकास है, उसकी भाषा का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है, कब कब जो है वो भाषा जो है वो बदलती रही है, ठीक है, उसका जो सृजनात्मक विकास है, तो ये सभी क्षेत्र जो है वो बाल विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे, आप भी अध्यापक बनोगे, कि बाल विकास में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो बाल विकास में हम बालक के भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था, ठीक है, तक के विकास का अध्ययन करते हैं। ये देखा जाता है कि बालक का जो शारीरिक विकास है वो उचित क्रम से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो उनके कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद उनको दूर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्रो एंड क्रो ने बाल विकास की जो परिभाषा दी है उसमें उन्होंने बताया कि गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, वही है गर्भाधान, यानी कि जन्म से लेकर और 18 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। अब हम बात करेंगे बाल विकास का इतिहास, ठीक है। तो देखिए, 17वीं शताब्दी तक तो बालक के विकास के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। लेकिन जो पहले के दार्शनिक जो थे, दार्शनिक क्यों,
क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी। तो दार्शनिक जो थे वो बालक के विकास के अध्ययन के लिए कोशिश तो कर ही रहे थे। वहीं पर 18वीं शताब्दी में जो है सबसे पहले बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन जो है प्रस्तुत किया पेस्टोलॉजी के द्वारा 1774 ईस्वी में। और इनका ये जो विवरण है इनके खुद के 3.5 वर्ष के जो बेटे हैं इस पर इन्होंने बेबी बायोग्राफी जो है वो तैयार की। ठीक है, तो इनकी जो स्टडी है उसके लिए इन्होंने एक बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। तो यहाँ से जो है वो बालक के विकास का जो अध्ययन है स्टडी जो है वो होने लगी थी। ठीक है, वहीं पर एक और व्यक्ति आते हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर टाइडमैन। तो यहाँ ध्यान रख लेना आप, 1784 ईस्वी में पेस्टोलॉजी के बाद ये भी अध्ययन करते हैं जहाँ पर बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास का निरीक्षण करके जो है ये एक विवरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पेस्टोलॉजी जो है इनका नाम याद रखिएगा कि बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद जो है वो जो डॉक्टर टाइडमैन थे तो इन्होंने भी कोशिश की। 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहले बाल सुधार गृह बनाया गया। ठीक है, ताकि बालक का विकास हो सके, जहाँ पर अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है बालक का विकास किसी कारणवश, हो सकता है कोई परेशानी हो जो भी, क्योंकि बाल सुधार किसके लिए होता है, जहाँ पर बालक को सुधारा जाए यानी कुछ कमी रह गई है उसके विकास में, तो उसके सुधार के लिए 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहले जो है बाल सुधार गृह बनता है। 1891 में स्टैनले हॉल ने पेडोलॉजिकल सेमिनरी पत्रिका का प्रकाशन किया जहां पर बालक के विकास के बारे में इन्होंने काफी लिखा। 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में होती है 1893 में स्टैनले हॉल के द्वारा। तो स्टैनले हॉल के द्वारा बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की जाती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बाल अध्ययन आंदोलन के पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इसके लिए इन्होंने दो समितियों का गठन किया, एक समिति बाल अध्ययन समिति और दूसरी बाल कल्याण समिति, तो जहाँ पर बालक का जो विकास है उसकी स्टडी की जाएगी और दूसरा बालक के कल्याण के बारे में सोचा जाएगा। तो ये दो समितियों का गठन स्टैनले हॉल के द्वारा किया जाता है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है वो विलियम हिली के द्वारा 1909 ईस्वी में शिकागो में स्थापित किया गया था। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत में गिजू भाई बागिका ने जो है 1930 में बाल अध्ययन केंद्रों की स्थापना की। यानी भारत में जो है बाल अध्ययन केंद्रों की स्थापना कब होती है, 1930 में। 1930 में जो है वो बालक के विकास के बारे में स्टडी होने लगती है। तो इस तरीके से हमने बाल विकास के अर्थ को समझा, इतिहास को हमने अच्छे से समझा। तो इसका अर्थ क्या रहा है, हमने समझा कि बाल विकास जो है वो बालक के सर्वांगीण विकास से इसका अर्थ लगाया जाता है, जहाँ पर बालक के संपूर्ण जो विकास है वो किस तरीके से होगा उसका अध्ययन हम करते हैं बाल विकास में। ठीक है, और बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा जो है वो बनाई गई जो बालक के व्यवहारों का जो है अध्ययन करता है। और वर्तमान समय में इसे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया। पहले इसे हम बाल मनोविज्ञान में पढ़ते थे जहाँ पर हम केवल 12 वर्ष तक के बच्चों का ही अध्ययन करते थे, अब जो है वो हम जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन करते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो सभी प्रकार के तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहारों को एक निर्धारित जो दिशा है वो प्रदान करके उसके विकास में हेल्प करते हैं। तो हमने जो है क्रो एंड क्रो की परिभाषा भी पढ़ी कि बाल विकास वो विज्ञान है जो कि बालक के व्यवहार का अध्ययन जो है वो गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक करता है। तो चलिए इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा। इतिहास में जो बाल विकास का जो इतिहास है इसमें जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो आपको याद करने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।